आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। खैर मकदम है हमारे स्कूल मौलाना आजाद में। फिर से एक बार बताना चाहूंगी कि मैं सनग्लास क्यों पहन रही हूँ, क्योंकि मेरा रेटिना का ऑपरेशन हुआ, रेटिना डिटैचमेंट हो गया था, जिसकी वजह से मुझे सनग्लास पहनना पड़ रहा है। और सभी को मैं विश करना चाहूंगी हैप्पी टीचर्स डे। आप देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पर हैप्पी टीचर्स डे है। आज टीचर्स का दिन है और ये दिन डॉक्टर राधाकृष्णन की बर्थ एनिवर्सरी के रूप में मनाई जाती है, जो हमारे सेकंड प्रेसिडेंट भी रहे हैं। और मेरे जिंदगी में भी टीचर्स का बहुत बहुत अहमियत रहा है। हमारे एनजीओ में जितने भी हमारे हैं, चाहे वो प्रोफेसर मतीन सर हैं, वो हमारे मेरे टीचर रहे हैं, वो बीइंग अ वुमेन के प्रेसिडेंट है और वो पिलर की तरह बीइंग अ वुमेन के साथ खड़े रहे हैं, हमारे साथ खड़े रहे हैं फर्स्ट डे से, उन्होंने सपोर्ट किया है, तो उनको थैंक यू कहना चाहूंगी। डॉक्टर इफ्तिखार सर जो हमारे पहले प्रेसिडेंट थे, उन्होंने भी हमें बहुत सपोर्ट किया। जितने भी हमारे टीचर्स हैं उनको थैंक यू कहना चाहूंगी, क्योंकि टीचर्स का बहुत बहुत रोल होता है। और यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगी ये हमारे स्पेशल एजुकेटर्स ने आज के दिन टीचर्स डे के दिन अपनी मेमोरीज को ताजा किया है। सारे हमारे स्पेशल बच्चे हैं उनके साथ हैं, ये चाहे आहिल हो, राबिया मैम, अली, अलीजा, सारी राबिया मैम अलीजा हैं, सारे बच्चे हमारे हैं यहाँ पर। देखिए इमाद है, तो ये मेमोरीज है जो एक यादगार यहाँ पर अहमद है, और यहाँ पर इबाद है राबिया मैम के साथ। तो मैं ये दिखाना चाहूंगी कि टीचर्स डे में हमारी स्पेशल एजुकेटर कितना वर्क करती है हमारे स्पेशल बच्चों के साथ और कितना क्लोज है अपने बच्चों के साथ, ये भी एक दर्शाता है कि अपने बच्चे की तरह ये यहाँ पर काम करती है। तो इसी तरह से हमारी टीचर्स के काम को एप्रिसिएशन मिलते रहना चाहिए। और आप सभी से बस यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसी तरह से सुनते रहिए, देखते रहिए हमारा ये स्कूल किस तरह से डेवलप कर रहा है। मैं एक एक पल आपके साथ शेयर करती हूँ। आज हमारे स्कूल में टीचर्स डे मनाया जा रहा है, फिर से आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे। हैप्पी टीचर्स डे। आपके लास्ट में